माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हो गया है, जिसके तहत दुर्ग झाड़ूराम शासकीय स्कूल से परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र वितरित किया जा रहा है। दुर्ग के शासकीय झाड़ूराम JRD स्कूल से माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिसके चलते 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग ग्रामीण के 79 केंद्रों में प्रश्न पत्र वितरण किए गए। वहीं आज 56 केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र वितरण किया जा रहा है। इस दौरान शासन प्रशासन की देखरेख में सुरक्षा के साधनों के साथ बसों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक उसे पहुँचाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्षिक बोर्ड परीक्षा के नोडल अधिकारी अमित घोष ने बताया कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 17,689 और 12वीं की परीक्षा में 13,291 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का वितरण यहाँ पर चल रहा है। हमारे जिले में कुल 135 परीक्षा केंद्र हैं। 79 परीक्षा केंद्रों का वितरण हमने 24 तारीख को किया है और 56 परीक्षा केंद्रों का वितरण आज किया जा रहा है। पूरी एक चार की गार्ड हमारे पास है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत बसों के माध्यम से हम थाने में परीक्षा के केंद्रों के प्रश्न पत्रों को सील्ड पेटी में जमा करवा रहे हैं। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।